शेख आसिफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ जो आज 1999 से मैं पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। आज हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष जो है जयंत पाटिल साहब सुबेदारी गेस्ट हाउस में आए, लेकिन कुछ कार्यकर्ता उनसे नाराज हुए क्योंकि वो एक तो इतना टाइम लगा कर आए और उसके बाद में जो है तो टाइम किसी को नहीं दिए, सिर्फ एक दो चार लोग को टाइम दिया और बाद में जो है तो निकल के चले गए। उसमें सभी सेल के जो है तो कार्यकर्ता आए थे, कामगार सेल के आए थे, अल्पसंख्यक के आए थे, उसके बाद में जो है तो गौदल के आए थे, सभी विंग के कार्यकर्ता आए थे। लेकिन मुझे एक उसमें एक नाराजगी ये पैदा हुई कि वो जो है तो सबसे पाँच पाँच मिनट दो दो मिनट उन्होंने टाइम देना चाहिए था। हर किसी के पास में तो टाइम होता है साहब, ऐसा कोई इंसान ही नहीं जो टाइम नहीं दे सकता। उनका काम था कि उन्होंने टाइम देना चाहिए था, उन्होंने टाइम नहीं दिया, इससे एक नाराजगी पैदा हुई और मैं खुद एक नाराज़ हुआ हूँ। इसके लिए आज मेरा मन की मैं भावना जो है तो बोल रहा हूँ कि मैं नाराज़ हुआ तो आज नाराज़ हुआ, आज जो है तो इस नाराजगी के जो हुई जाने दो। लेकिन आने वाला वक्त जो है तो अब इलेक्शन लग रहे हैं, 19 में इलेक्शन है, आमदार है, खासदार है, उसके बाद 2020 में जो है तो कॉर्पोरेटर के इलेक्शन है। आज हम अगर यही हरकतें रहे तो जो आज हम जो डूबे हैं तो आगे भी ऐसे डूबने के अंदाज नज़र आ रहे हैं। आज हम कार्यकर्ताओं को लेकर चलना चाहिए, ये विजय है, और कार्यकर्ताओं को लेकर चलेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे तो ये जो है तो पूरा काम चलेगा सब, नहीं तो बहुत आने वाले वक्त में मुसीबत के आसार फिर नज़र आ रहे हैं। और ये कभी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट आते हैं तो बहुत जो है तो शोर शोर से लोग जुड़ जाते हैं, और जब कोई कार्यक्रम है या कोई धरना है या कोई कुछ प्रोग्राम निकाले तो कार्यकर्ता दिखते नहीं, महाराष्ट्र अध्यक्ष आए तो कार्यकर्ता दिख रहे हैं। आज जो है तो किसे मतलब मेरा मकसद ये नहीं कि पार्टी को कोई ठेस पहुँचे, मेरा मकसद ये है कि आने वाले वक्त में जो है तो सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस की बने, आने वाले मुख्यमंत्री जो है तो अजीतदादा पवार रहे और जो है तो शरद पवार साहब के जो है तो हाथ मजबूत करें, बस ये मेरा मकसद है। कोई पार्टी को कोई ठेस पहुँचाना या पार्टी के खिलाफ जाना है मेरा मकसद नहीं है। ये एक जो है तो सब कार्यकर्ताओं की जो नाराज़ी थी, मेरे भी पास जो नाराज़ी हुई मैंने एक व्यक्त किया।